अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है तो ऐसा ठीक है। मैं हम मोहम्मद शहजाद सर, देखते हो यूट्यूब चैनल वेला मुंडा। माशाल्लाह सुबह सुबह सुते उठे हैं, सारे वास्ते सुबह का टाइम है, लेकिन थोड़े वास्ते शाम का टाइम हो सी। दी वजह जो रात तक पता शुगला ही पिया और शादी के मामला काफ़ी मसरूफियात चलती पी। सुबह उठा फ्रेश थियाँ तो माशाल्लाह सुबह सुबह ही रहमत आदि होने नी मेहमान रहमत होंगी अल्लाह पाक दी। तो माशाल्लाह सही दुनिया पुर के शहजादे माशाल्लाह बैठन, ख्वाजा साहब डू माशाल्लाह, पिराड़ साहब आए बैठन। सारी जी गुड मॉर्निंग है सुबह दी, वो बड़ी सरप्राइजिंग है सारे वास्ते भी और थोड़े वास्ते भी। माशाल्लाह अज का मौसम बड़ा ही खूबसूरत प्यारा है पिया, बारिश वाला मौसम लग रहा है, ठंडा मिठा। ये तो सारे जिगर हैं, चाचा तो प्यू होते हैं ना, ये चाचू बैठे थे, चाचू नज्जू होनी अक्सर मेरी वीडियो व्लॉग देते रहने मेरे व्यूअर, इस वजह मैं तारफ को नहीं करवा घर के बंदे जो इन्हें तो और मैं मतलब कि अबू होने को अक्सर लोग मेरे वीडियो दे दें तो लोगों को पता है कि अबू शहजाद अबू है, तो मैं हर वीडियो तारफ को नहीं करवा। चाचू होनी जे भी अबू इन्हें गाल करना पाया कि उन्होंने इन्ना को लोग जान के रेडी के मेरे फैमिली मेंबर हैं, पर तुसा सारे मेहमान ही ता मैं थोड़ा तारफ करवाना पिया। माशाल्लाह ख्वाजा साहब ने बैठ के गप्पा शप लेने बैठा से सुबह सुबह चाय ठंडा गर्म पीते से। आज दी वीडियो बड़ी आउट क्लास थी होने वाली, आज दी वीडियो स्टार्ट करने तो पहले सारे चैनल को मारो सब्सक्राइब तो शुरू करने। आज दी मजेदार वीडियो, मेहमान मिल के तो वापस घर दो वेंदे पेन। दुनिया पर तो जितने व्यूवर दे थे पे हो ना, थोको मोहब्बत बरा सल्यूट थी गया, क्योंकि आज दी वीडियो का स्टार्ट ही जड़ा ना दुनिया पर तो था। तो भाई थोड़ा सा आज दी वीडियो एक बहुत बड़ा सरप्राइज है वे पिया मेरे सारे व्यूवर वास्ते, तो साक्षो हैं आज दी वीडियो इतने सरप्राइज जिया जनाब सरप्राइज वे पिया तो सारे व्यूवर कितने, तो सारे व्यूवर कितने पता क्या सरप्राइज है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नवा 0 मीटर न्यू ब्रांडेड आईफोन 15 प्रो मैक्स आ चुका है। आज तो 15 दिन पहले ऑर्डर किया दुबई तो, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 15 दिन के बाद आईफोन 15 प्रो मैक्स मेरे घर पहुंच चुका है। हाले में उनकी अनबॉक्सिंग कोई नहीं की, ओपन कोई नहीं किया, ओपन करने थोड़े सामने थोड़ी दिखाना। मैं तो आखिया कि तू सारे व्यूवर वास्ते खुशी की गाल है, सरप्राइज है, इस वजह से पिया क्योंकि जल्द हूँ फ्यूचर वाले मेरे नवे वीडियो बन सन वो मेरे आईफोन 15 प्रो मैक्स के उत्ते बन सन, और उन्दू तो जल्द वीडियो बन सन तो पता रिजल्ट मेरा बेहतर थी वैसे, मेरी वीडियो की वॉइस क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी सारे ज्यादा मजेदार थी वैसे। तो इस वजह तुम व्यूअर वास्ते भी खुशखबरी की गाल है और सरप्राइज आवे पिया, और ज्यादा थोड़े इंतजार नहीं से करवें, मोबाइल चाहने अब उनके सामने कट्ठे बह के तुम्हें अनबॉक्सिंग करेने थोड़े सामने। मैं वैसे एक्साइटेड थी आखना कि उनकी मोबाइल की अनबॉक्सिंग करा और नवा आईफोन 15 प्रो मैक्स देखूँ कि वो कैसा है पिया। और वैसे मैं उनके रिव्यू वगैरह तो देखने आते पैन के आईफोन 15 प्रो मैक्स 14 प्रो मैक्स करने ज्यादा बेहतर है। मोबाइल कितना मेरा ठीक है, अच्छा पुरानी वीडियो चलाई बैठे उमेर, पुरानी वीडियो चलाई बैठा है आज तू 4 साल 5 साल पहले वाली जैसे सादा ना यूट्यूब का ना सिल्वर प्ले बटन आया है, मतलब सारे लाख सब्सक्राइबर पूरे थे हैं। पुरानी वीडियो यूट्यूब उत्ते रहता बैठे। मेरी मोबाइल कैसे 15 प्रो मैक्स चाह वा उमेर को चाह के ना रख दिता लुका के उमेर को चातिया दे अनबॉक्सिंग करने सारा के सामने। मैं बड़ा खुश हाँ वैसे अज सुबह सुबह मैं मुबारक तेरी वाई कमेंट व्यूअर थोड़े फिरा दे हाथ में आ चुका है आईफोन 15 प्रो मैक्स दिखावा थोको मैं तो बड़ा ही अच्छा लगता खड़े। और भाई जड़ी मजे की गाल आईफोन 15 प्रो मैक्स के डब्बे का वजन जड़ा है ना आईफोन 14 प्रो मैक्स डब्बे को घट है। माशाल्लाह मेरे दिल का धड़कना धक धक लई खड़े कि जल्दी जल्दी मैं आईफोन 14 मुँह चु निकलता खड़े, क्योंकि अगर मेरे को 14 प्रो मैक्स है ना और मेरे मुँह जो निकलता है तो आईफोन 15 प्रो मैक्स दिख रहे अनबॉक्सिंग डब्बा दिखावा थोको उतू कैसा नजर आता है। 1 2 3 चेक कर ये मेरे हाथ दे वे पे आईफोन 14 प्रो आईफोन 15 प्रो मैक्स का डब्बा डब्बे दे वेची वे पिया मोबाइल उमेर ते मैं नाराज है पैसा नु है ते नाल ओपनिंग नहीं करवांदे नहीं मैं नाराज है मेरी नाराज है क्योंकि ना मेरा पुराना आईफोन 14 प्रो मैक्स है ना वो उमेर ने गिनना मैं को आके पहले जितना भी मेरे खुशी की चीजा होने ना मैं सारे अबू जान के हाथ ओपन करवाना होना क्योंकि वो लंबे अरसे तक चल जाए और वो अच्छा चल जाए। फाइनली व्यूअर अबू जान को सादगी दे से अबू जान आईफोन 15 प्रो मैक्स मतलब है कि बहुत महंगा इसकी कीमत तो नहीं दसेंगे कितनी कीमत है। और बड़ी मजे की गल है व्यूअर मैं 1 TB मंगवाए 1 TB तो मुराद इनकी जी मैमरी है 1000 GB है भाई
कितनी 1000 GB मतलब क्योंकि सारा हर वेले तो पता है वीडियो का कम है पिया तो सा 254 GB 512 GB वो थोड़ी थी ना इस वजह तू 1000 GB वाला मंगवाए से ताकि सारा डाटा जितना भी हो सारे का सारा स्टोर थी ना वे पता ही ना लगे मोबाइल को इतनी ज्यादा मेमोरी वाला मंगवाया से। अब जान इंडिया अनबॉक्सिंग करो पहली दफा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पहली दफा इंदा डब्बा उतू तो लाओ और सारे व्यूअर को दिखाओ राम ना लवाए में थोड़े सस्पेंस का ए स्कोना यार खाड़ मायर जल्दी वाला ना देओ ते वाला मैं मोबाइल जड़े दे वीडियो बनदी पी मैं वाला गिना उठे पढ़ाई में सीधा ए 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 वाह भाई वाह वाह भाई वाह iPhone 15 Pro Max माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा व्यूअर इना जेड़ा सीला हन्ना ओ अनलॉक थी चुके नाल रेडी ओ कीमे अनलॉक थन क्योंकि ए मोबाइल असा मंगवाए से दुबई दे विच दुबई तो जले सारे पाकिस्तान एयरपोर्ट ते है ना एयरपोर्ट ते जले चेकिंग थई है ना चेकिंग दे बाद उन्होंने इना सीला खोल ली थन तो खैर ओ असा अनबॉक्सिंग इसे कर सेंगे वाल भी मोबाइल सारे को ला चुके और भाई मजे दी गल है कि जेड़ा कलर मैं आख्या ना ओ कलर को नहीं आया क्योंकि जेड़े बंदे को असा आख्या अस ना बेसा को दुबई च मोबाइल घेन दे उकू याद ही कोनी रहे मैं केड़ा कलर आख्या है। चलो खैर इन दे नाल दा ए जेड़ा कलर है ना नीला इन दे नाल दा ऑलरेडी मेरे को iPhone 14 Pro Max है पिया ए मेरा पसंदीदा कलर है पिया तो खैर अब जो पहली दफा कुतू दे चाओ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम हां जी खड़ 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 यार खड़ 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 और अगू भी सी टाइप है भाई जड़ी सैमसंग वगैरह सारे मोबाइल को लगती है आईफोन वाली टाइप खत्म कर दी गई। चलो हूं तुम पेपर हटाओ पेपर लहने पेन बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह माशाल्लाह सारे मोबाइल दी लुकी वे पे जना फ्रंट दी और ए लुकी वे पे बैक दी तो पहली दफे को ऑन करो अबू ए पल आवे सी कट्या से आवे सी खा के आंदे ये देखो व्यूअर आईफोन का ये लोगो है इस लोगो का ऐसे कह ले 6 लाख रुपया है ब्रांडेड चीज है ना चीज कैसी है। तो अभी इसको जो है ना मैं दोबारा ऑन करके राखी सी डब्बे में देता हूँ क्योंकि मैंने इसके अंदर ना अपना सारा जो डाटा है ना वो ट्रांसफर करना है तो डाटा वापस आके ट्रांसफर करेंगे। पहले हम जा रहे हैं शहर शहर में हमारे को जरूरी जरूरी काम है वो कराएं नहीं तो दुकानें हो जाएंगी बंद उसके बाद आके इसके अंदर डाटा ट्रांसफर करेंगे और फ्यूचर में इंशाल्लाह जितने भी व्लॉग्स होंगे आपको हमारे आईफोन 15 प्रो मैक्स के ऊपर मतलब आईफोन 15 प्रो मैक्स के ऊपर देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। इसका रिजल्ट टेस्ट भी करवाऊंगा मैं आपको कैमरे का भी और वॉइस क्वालिटी का भी सारी चीज़ों का रिजल्ट आपको टेस्ट करवाऊंगा। जो मोबाइलों के शौकीन है हमारे साथ जुड़े रहिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मारो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब और बाद में इसका मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा। फिलहाल इसको डब्बे में रखते हैं और चलते हैं शहर की तरफ। वैसे इसका एक और चीज़ मैंने इसमें नोटिस की है मेरा जो आईफोन 14 प्रो मैक्स है ना उसकी निस्बत इसका वजन कम है और मुझे लाइट वेट पसंद होता है और इसका वजन बिल्कुल नरम सा है मतलब इतना ज्यादा वजन है ही नहीं बिल्कुल लाइट वेट है। अब शहर में ना पिया मैं ना भाई ना हूं नहीं मिलना तो पहले घर खड़े ना दे मैं असल ते त्रेमती आ गए सारे उन को मिलन पे बस वो तरीका हाल ठीक है हूं ना टाइम है पहले सवेर टाइम नाल थी आए करो तो ठीक है ना तो ये जले कोई टाइम कोनी मैं जाना तो बस तू सकार हो डेटा जरूर जरूर काम करना मैं कटिंग करवावनी है वे साडे काम है बे चौक दे सवेर उठसो ओवन के करा गन चलो ठीक हो गया मैं तैयारी की थी खड़ा भाई शहर में ना लेकिन यह कि असल ते जले वंजन पिया ना आ गए मेरे खाला होने उन्हें अलवाण पै गया ते मारू थी चुका हूं फुल अंधेरा और आज मैं जड़ी व्लॉग स्टार्ट की ना एक शाम को स्टार्ट की था रात को तो हूं अबू दी सख्ती आंदी है कि भाई रात का जड़ा ना तुसा घरों बाहर नहीं वजना घर आवने शहर भी नहीं वजना जड़े खम्भे पे कटिंग शटिंग करवाने मुछा सुछा सैट करवाने मैं सारा कुछ करवा ना लेकिन कैंसल किया अज बात इतना घर खड़े तो घर का माहौल दिखाने सारे हमसाया दे सारे छोटे छोटे बाल सारे घर तक कटता है बटन क्योंकि मेरे को लगता है अज भी कुछ शुगला मुगला बनाते पे क्योंकि डेली अजकल सारे घर ना चौंकी होंगी डेली शुगल होंगे डेली झूमर होंगे डेली डांसर होने डेली ताड़िया हुई शहर तो नहीं होनी बात मैं नहीं करना रिजवान के घर का जरा ना विजिट करवाना अपने व्यूवर को चलो कराओ रिजवानी अपने घर की चाबी दे ते मैं व्यूवर को ना पिछली वीडियो दिखाया कौन नहीं क्योंकि इन्हें घर के व्यूवर इंदा जरा दाज का समान है इंदी दुल्हन का समान है इंदा समान है सारा शिफ्ट थी चुका है फर्नीचर का समान तो थोड़ा दिखाया ना रिजवान भाई घर के अंदर की लुक अंदर का माहौल लेकिन अब तू देखो अब चाबी मेरी कहीं नहीं आती तो ठीक है तू चाबी कहना तू तो मैं जुल्दे दे थे व्यूवर को दिखाने
2 मिनट लगना है ज्यादा देर मैं तेरे बाद बहुत बार हूं तुसा असा बात मैं वीडियो बना के ते आंदा पे व्यूअर को सामान दिखा के ना पर इंदा जितना भी फर्नीचर दा सामान है ना वो लग चुका है रिजवान भाई दे रूम्स दे विच हाले मेरा फर्नीचर दा सामान कोनी आया मेरा एक तो दू दीवार दे बाद आसी पहले बाहर चेक करो तुसा इस्त्री वाला फट्टा इथ लगा पे रिजवान भाई दे घर दे विच ये भाई ने मेरे को अपनी तरफ को गिफ्ट दिता है ये वाला फट्टा जड़ा मैं रिजवान को गिफ्ट दिता है मैं के तेरी वाइफ ते तू इंदे उते कपड़े इस्त्री कराए क्योंकि मेरे को हन पे दू फट्टे कपड़े इस्त्री करना ले ते एक मेरे घर पे थिया और एक मैं रिजवान को गिफ्ट कर दिता है चल भाई ए है पे रिजवान दा मेन बेडरूम ठीक है इंदे विच हाले सेटिंग शेटिंग हाले करनी है सामान अंदर रख ता दिता ने लेकिन को तरतीब लावना ने जिवें जिवें सामान रखिया को तो कौन दी तरतीब लिखने क्या क्या सामान फर्नीचर वाला इंदे ससुराल नहीं को दिता है बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पहले नंबर ते क्लीन लगा पे आ चुके हैं जनाब रूम दे विच तो गुडी खावा लुक मैं दरवाजा बंद कर देवा ताकि बाहरों दा शोर ना आवे माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक नजर बत बचावे इंदा रूम काफी खूबसूरत लगदा पे प्यारा लगदा पे दिखावा 1 2 3 चेक करो माशाल्लाह इदो सामने लगी खड़ी वे ड्रेसिंग टेबल चेक करो ये ड्रेसिंग टेबल ही वे भाई बड़ी प्यारी जई सामने माशाल्लाह प्यारी जी सीनरी लगी खड़ी एडू भी तेरे मैं तो ड्रेसिंग टेबल दिखावा जरा सामने आके ये चेक करो मैं बिच नजर आंदा खाना शीशा लगा है बड़ा खूबसूरत जिया ये ड्रेसिंग टेबल है तले दराज इन पे इदो इन बीच भी दराज है पिया ठीक हो गया हुन सामने तो दिखावा वीआईपी जिया बेड और रिजवान उधर ते चढ़या बैठे 1 2 3 गो हां तू ना चढ़ सन अभी अकाउंट चढ़ से चढ़ना है हाल ही चढ़ना ये बेड ही दाई वे पिया उन उते मैट्रेस लगा पे और दूसरे सिराने पहन थे ये बड़ा ही प्यारा जिया बेड वे पे वैसे मैं को नहीं बेड दी लुक बड़ी प्यारी लगी क्योंकि ये बड़ा डिसेंट जिया है वे पे जेड़े होंदे ना ज्यादा रंग परंगे ओवर उते कलर ग्रेडिंग होती है वो मेरे को पसंद को नहीं होता तो ये बड़ा ही लाइट लाइट कलर है और इनका डिजाइन भी बड़ा लाइट जिया है मेरे को बड़ा पसंद है तो अपनी राय कमेंट करी वैसे तो रिजवान भाई का बेड कैसा लगा है सारे घर म्यूजिक चल गए और अगर तेरे को पसंद भी है कौन सा होना तू वो म्यूजिक बंद करवा क्योंकि कॉपीराइट लग सी फाइनली योर म्यूजिक थी चुके बंद और इडू चेक करो एक ड्रेसिंग टेबल इडू है पाई दो जी ड्रेसिंग टेबल सॉरी एक इडू ये कैसा रहता है पता नहीं मेज एक छोटा मेज मतलब है कि था तू चार्जर लगा ना बोर्ड था चार्जर वगैरह रख दिया अच्छा ये छोटा जी हम जनाब मेज है पे तो सामान वगैरह रख सकते हैं और सेम इडू भी है पे छोटा जी और उस तो बाद इडू अटैच वॉशरूम है रिजवान भाई का इडू पर्दा लगा खड़ा है जो लोग अंदर थोक वॉशरूम दिखावा और थोक रिजवान भाई के टोटल बेडरूम का विजिट करने का पिया इडू बल्ब चला रहे में माशाल्लाह ये खूबसूरत जी ये भी ड्रेसिंग रूम है पे रिजवान का आओ जी ये सारा चेक करो ये वॉशरूम वगैरह रिजवान दा काफी खूबसूरत अंदर अंदर तो नहीं दिखाई हुन विच वड़ पे आंदे मेन चीज है ये शीशा में लगा खड़ा है चेक करो बेसन वगैरह भी सारा कुछ लगा खड़ा है वैसे तो समझ जेडे रेगुलर व्यूअर पिछले वीडियो तो सही ठा होसी लेकिन एक थोक डिटेल नाल वाला दिखेंदा पिया मी इस साइड तो चेक करो दो सोफे लगे पे ठीक हो गया इस साइड तो अलमारी है पे कपड़े वाली सामने जो खूबसूरत जी पेंटिंग लगी खड़ी है ए भी ते ए भी ए ना सा को गिफ्ट है यही सारे व्यूअर ने गिफ्टिंग की थी हाथ नाल बना के दीते ने ए वाली पेंटिंग ते वाली पेंटिंग असा अपने व्यूअर्स दे जेड़ा याद है ना वो तक संभाली बदे अपने बेडरूम में रखी बदे क्योंकि व्यूअर ने मोहब्बत होने शायद तो वीडियो दे भी पावन रूम कंप्लीट थे घर वाले पखे शके कोई ना लगे वाला अज ये पखा कहना है और पखा भी ला दिता सीलिंग चेक करो वाला सोफे वगैरह भी लग चुके सामने खूबसूरत मेज है इन साइड तो विंडो है पे विंडो के उत्ते वाला पर्दा लगा खड़े टाइम पीस है सामने पेंटिंग तो दसाया था रिजवान भाई का रूम का फुल विजिट करवाया मैं ये कैसा लगे बेडरूम तक पसंद है अलहमदुल्ला हाँ मेरे को तो बड़ा पसंद है तुम आप ही राय कमेंट दिया थाकू रिजवान का बेडरूम कैसा लगे हूँ चलो जनाब तेरे नाल दे सेकंड बेडरूम में उनके भी समान लगा पे रिजवान का फर्नीचर का जो कि वो दिखाने थको बल्ब थी बंद ई रूम कोई ताला है पिया ई रूम कोई ताला है पिया पहले नंबर तो एक खुले ने मैं अपनी एक चीज को नहीं की ताले बड़े महंगे वाले ने अबू में गिफ्ट किए मेरे तक नजदीक करके ताले जो स्टील देने पे अबू जान ने रिजवान को गिफ्ट किया स्पेशली अबू ने गिफ्ट किया मतलब कि मेरा एक रुपये को नहीं मिलगा पिया चल खोल चाबी नहीं भाई चाबी उसी नवे नवे चाबी ना रिजवान को भी पता को नहीं केड़े ताले दी केड़ी चाबी मैं लिख सा वाला 1 2 3 उन चाबी ने वाला नाम लिख सी 1 2 या 3 मतलब या ABC ल पता लग वैसे भी केड़े ताले दी चाबी है आदत पे वैसे पीछे आओ जी नहीं ए रिजवान भाई दा दूजा रूम में पिया चलो जी इन बल्ब चलब ऑन करो आओ जी इन सारे बल्ब ऑन थी चुके हैं इस रूम दे विच पहले नंबर ते रिजवान दा खड़े वे ते होंडा ए चेक करो जो होंडा वन तेरे जवान दे जान ही वे पई और इन साइड तो वाला चार पाया एक दू त्रै चार पांच और सामने एक पई वे थे इस्त्री वाला मेज
ਇਸਤਰੀ ਵਾਲਾ ਫੱਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਜਸਾ ਦੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇਹ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਖਟਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਔਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਸਸੁਰਾਲ ਨੇ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਇਹ ਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਪਿਆ ਇਹ ਤਰੇ फिलहाल शादी तो बाद अनबॉक्सिंग थी क्योंकि शादी पता गड़दाल इस वजह तू वाला सामने वी आई पी फ्रिज पी इंदी भी अनबॉक्सिंग शादी तो बाद थी उस तो बाद जनाब ये पिया एक फर्शी पखा इंदी भी अनबॉक्सिंग शादी तो बाद थी फिलहाल तक मोटा मोटा समान दिखाते पेंदे रिजवान के त्रिया रूम के ना तले क्लीन भी लगा पे विछा पे तो हाले रूम क्लीन जो तलो सैट को नहीं जल्द दरवाजा खुलते ना तलो क्लीन अड़ पेंदे दरवाजा खुलने दुशवारी थी खैर सैटिंग सारी शादी तो बाद डिटेल ना थी जी हूँ आ चुके हैं जनाब बह रिजवान के रूम में इतों जो खटने रिजवान के ससुराल ने रिजवान को गिफ्ट किए एक डू उस तो बाद लकड़ी का खटने आने पे एक ए डू चार मतलब टोटल खटने रिजवान के ससुराल ने गिफ्ट किए और अबू अम्मी ने कितने किए पांच अबू अम्मी अम्मी ने भी पांच किए ससुराल ने चार किए अम्मी अबू ने ज्यादा दिए अच्छा कुछ लोग बेच कमेंट जुगे पर लिख सो तुसा कि भाई यार तुसा जड़ा ना दाज से देन दहेज से देन उनको प्रमोट करें दे पे जनाब सादा मकसद को प्रमोट करना नहीं और ना ही ऐसा अपने रिजवान ने ससुराल को कोई चीज़ मंगी है दाज मंगी भाई कहीं शायद डिमांड की हो यार फलानी चीज़ मेरे को घेन के दो और ना ही मैं अपने ससुराल को दाज मंगी या दहेज मंगी ना ही मैं उन्होंने को डिमांड की ठीक हो गया उन्होंने अपनी खुशी तो साकू गिफ्ट किए तो उन्होंने शुक्रिया है पे क्योंकि बंदा कहीं को कोई अपना लखते जिगर दे दे ना मतलब कि मेरे ससुराल ने मेरे को अपनी बेटी दी है तो जहरी गाल है उन्होंने अपना लखते जिगर दिता है तो ठीक है मेरे ख्याल है सब तो मेन चीज़ वह ही होंगी है पे समान तो बंदा सारी जिंदगी घिंदा वा और कमाता है वा मतलब आप खुद मैं उन्होंने गाल नहीं करा पिया तो इस वजह तो और ना ही असा डिमांड की ना ही रिजवान ने डिमांड की जिन्होंने दिता है मेरे ससुराल ने भावें देवना है या रिजवान के ससुराल ने दिता अपनी खुशी तो दिता ने लिहाजा सारा मकसद कोई दाज को या दहेज को प्रमोट करना नहीं वैसे तो समान दिखाते पे ये खटना थी गया जरा रिजवान का उस तो बाद डिश सेट डू मेजा ये पता नहीं कैसे कैसे इस्तेमाल है मेरे को भी नहीं पता सामने है पे बर्तन वाली अलमारी अच्छा मेरे को सारे चीज़ों का ना इलम कोई नहीं कि ये मतलब बर्तन वाली अलमारी है तो 100% बर्तन वाली अलमारी ही हो सी मेरे को कन्फर्म नहीं मेरे को जितनी समझ है मैं तो उतना दसेंदा ना बेड का समान घट इतना पै गया बेड का समान पूरा करना मेरे अच्छा अच्छा वो हाले सेटिंग कोई नहीं ना समान जिमें जिमें आया पे सिर्फ तो स्टोर दिखाते पे हाले सेटिंग कोई कोई नहीं ये सामने एक डब्बा है पिया पता नहीं इन क्या है पिया मेरे को याद नहीं सुपर बियर लिखे हुए गलवा नहीं देते पता नहीं क्या चीज़ हो मैं कोई कन्फर्म बी आई ए डब्बे हैं पे इन कोई बर्तन वगैरह हो सन या डिनर सेट हो सन क्योंकि इन दे पे हार्ट पार्ट बने हुए और बी आ बर्तन वाला कोई आइटम है पिया ये सामने भी बर्तन वाली आइटम है पई सामने चार चौंकियां हैं पिया चौंकियां पता क्या नहीं हाँ जवात्रे को मैं गिफ्ट करे अल्लाह पाकू जन्नत जा रहे हो तुसा भी दुआ कराए उनका गिफ्ट रिजवान दे कोल मैं समझो याद आए पे और उस तो बाद ये सामने बर्तन हैं पे ये भी पता नहीं क्या है देखो तस्वीर दे गिनो तू उस तो बाद ये क्या है शादी तो बाद इंशाल्लाह डिटेल ना लिखे सू ठीक हो गया हाले तो जिम्मे जिम्मे समान पे लिखा पे कोई ओपनिंग कह नहीं सकते पे उस तो बाद एक दू त्रै चार पेटियां आने पिया उत्ते सामने सिराने पैन थे कंबल ते खेस ते ये समान ही वे पिया उस तो बाद एक पेटी दू ही पई थी पंजवी पेटी कंबल उस सामने सिराने ते वो भरिए पैन अलहमदुलिल्लाह ढेर सारा समान है और सब तो सारे घर दे विच मेन चीज़ सब तो कीमती चीज़ वो भी उन्होंने दिती है क्या चीज़ है भाई सामने कुरान मजीद ये तो पता सब तो मेन कीमती चीज है इस वजह उच्चा उच्चा रखे वैसे ताकि सारे को उच्चा होना चाहिए जी मेरी वाइफ है वो हाफिज़ कुरान है भाई और ऑलरेडी पढ़ जी वो आलमा बन दी पे माशाल्लाह मेरी भाभी रिजवान दी दुल्हन त्रिय रूम हाँ पे तो त्रिय रूम का विजिट करवा दिता मैं एक मेन चीज की कहानी है जिन्हें मेरे को दादी मेरे को गिफ्ट की थी मतलब मेरी दादी ने मेरे को गिफ्ट की थी क्या दादी मेरी ने सामान उठा घेन के पहुंचाया वो ये चार पाया अच्छा ये मेरी दादी तरफ गिफ्ट है मेरे को
ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸ ਗਿਆ ਸਸਰਾਲ ਨੇ ਖਪਕੀ ਦੇਣ ਸਸਰਾਲ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਖਾ ਹੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਾਦੀ ਤਰਫ ਸਪੈਸ਼ਲ ਓਕੇ ਓਕੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਵੇ ਤੇ ਬੜੇ ਵੀਏਪੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਣ ਪਿਆ ਇਹ ਦਾਦੀ ਮਤਲਬ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਸਰਾਇਕੀ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦੇ ਪਿਆ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨਾ ਕੋਈ ਫਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਾਲਾ ਉਤਨਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਦੇਂਦੇ ਨੇ ਜਿਤਨੀ ਮਾਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਜਿਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫਰੇਂਦ ਹੁੰਦੀ ਉਤਨਾ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣਾ ਗਿਫਟ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਨਵੀਂ ਔਲਾਦ ਕੋ ਨਵੇਂ ਦੁਲਹੇ ਦੁਲਹਨ ਕੋ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਨ ਗਿਫਟ ਸਮਾਨ ਸਮਾਨ ਆਵੇ ਪਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਬੜਾ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਮਾਨ ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੇ ਸਸਰਾਲ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੇ ਸਸਰਾਲ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਭਾਈ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਲਿਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਦਿਖਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਫਰੇਮ ਵੀ ਪੈਣ ਤੇ ਪੇਟਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਦੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੇਟਿਆਂ ਪੇ ਜਾਂਦੋ ਤੇ ਉਹ ਪੇਟਿਆਂ ਪੇ ਇਹਨੂੰ ਫਰੇਮ ਇਹਨ ਪੇ ਜਾਂਦੋ ਤੇ ਪੇਟਿਆਂ ਰੱਖੀ ਸਨ ਅੱਜ ਜੰਦਰੇ ਸ਼ੰਦਰੇ ਆ ਮਰੇ ਦਾ ਵਾਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਨ ਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਅੰਦਰ ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਸੰਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਈਫੋਨ 15 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਆ ਗਿਆ ਵਤ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲ ਗਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਸਤੋਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਆਈਫੋਨ 15 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰ ਗਈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਈਫੋਨ 14 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਦਾ ਡਾਟਾ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਗਈ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਸਾਂ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਵਲੌਗ ਮੇਰਾ ਆਈਫੋਨ 15 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ਾਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਊਟ ਕਲਾਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਈਫੋਨ 14 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਦੀ ਨਾ ਮੈਮਰੀ ਫੁੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਈਫੋਨ 15 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ 1 TB ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਮਰੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਖੁੱਲਾ ਮਾਹੌਲ ਮੈਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਆਈਫੋਨ 15 ਪ੍ਰੋ ਮੈਕਸ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣਾ।